in my YouTube series, Dears Dr. Jayashree Saxena, Professor of St. Wilfrid College of Arts, Commerce and Science, Panvel. Today, we will discuss about measures of central tendency. There are three measures of central tendency: mean, mode and median. So now, we will discuss about mean. So what is mean? Mean means average. So how to find average? Average कैसे find करते हैं हम लोग? जितने भी हमें observations given होते हैं, उन सबको plus करना होता है and divided by total number of observations. तो उससे हम mean find कर सकते हैं. Suppose आपकी class की average age find करना है कि आपकी class में जितने भी student हैं, उनकी average age कितनी है? तो हम क्या करते हैं? जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन सब की एज को प्लस करना है एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो आपकी एवरेज एज निकल जाती है. सो द मीन इज द मोस्ट पॉपुलर एंड वेल नोन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. इट इज यूज्ड इन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज. इसका यूज दोनों सीरीज के लिए होता है, ऑल्दो इट्स यूज इज मोस्ट ऑफन विद कंटिन्यूअस डेटा. द मीन is equal to the sum of all the values in the data set divided by the number of values in the data set. So if we have n values in a data set and they have values x1, x2 up to xn, the sample mean usually denoted by x bar. So x bar is equal to x1 plus x2 plus up to xn upon n. This formula is usually written in a different manner using the Greek capital letter summation, pronounced sigma, which means sum of. So x bar is equal to sigma x upon n. Sigma का मतलब होता है जितने भी numbers हैं उन सब की total. तो mean के लिए mean is equal to x bar. X bar is equal to summation x upon n. So now we use some examples. हम एग्जाम्पल से देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट स्कोर इन 12th स्टैंडर्ड आर एस फॉलोज 12, 34, 45, 50 एंड 24. टू फाइंड हिज एवरेज स्कोर इन अ क्लास, सो वी कैलकुलेट द मीन ऑफ डेटा यूजिंग द मीन फार्मूला. अभी हमें मीन का फार्मूला पता है. Mean is equal to sum of all observations upon total number of observations. So mean, अभी इनको plus करेंगे, यानी 12 plus 34 plus 45 plus 50 plus 24. अभी ये कितने numbers हैं? Total हैं 5. यानी divided by 5. तो 165 upon 5, that is 33. तो mean कितना होगा? 33. इस स्टूडेंट का एवरेज स्कोर कितना आ रहा है? 33 आ रहा है. नाउ टाइप्स ऑफ डेटा. डेटास कैन बी प्रेजेंट इन रॉ फॉर्म और टेबुलर फॉर्म. सो लेट्स फाइंड द मीन इन बोथ केसेस. फर्स्ट रॉ डेटा, तो लेट x1, x2, x3 up to xn be n observations. So mean formula is x bar is equal to x1 plus x2 plus up to xn upon n. And frequency distribution means tabular form. When the data is present in tabular form, so we use this formula. X bar is equal to x1 f1 plus x2 f2 plus up to xn fn upon f1 plus f2 plus up to fn. तो फर्स्ट वाला जो फार्मूला है वो रॉ डेटा के लिए, और सेकेंड वाला फार्मूला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन एक्स एंड एफ बोथ आर गिवन. रॉ डेटा में ओनली एक्स विल बी गिवन एंड टेबुलर फॉर्म में हमें एक्स और एफ दोनों गिवन होंगे. नाउ फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन.
अभी हमें x और f दोनों गिवन है, देखिए वी हैव गिवन अ टेबल, x की वैल्यू है 4, 6, 9, 10, 15 एंड f है 5, 10, 10, 7, 8। अब देखिए यहाँ पे x और f दोनों गिवन है, तो नाउ वी मेक अ टेबल विथ 3 columns, फर्स्ट कॉलम इज x, सेकेंड कॉलम इज f एंड थर्ड कॉलम इज एक्स एफ, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक्स एफ लिखिए और एफ एक्स लिखिए, एक ही बात है, एक्स इंटू एफ और एफ इंटू एक्स, बोथ आर इक्वल। तो एक्स इन फर्स्ट कॉलम इज एक्स एंड 4, 6, 9, 10, 15 सेकेंड कॉलम फ्रीक्वेंसी एफ एंड 5, 10, 10, 7, 8 थर्ड कॉलम इज एक्स एफ और एफ एक्स, मतलब आपको क्या करना है, वी मल्टीप्लाई एक्स इंटू एफ यानी 4 × 5 दैट इज 20, 6 × 10 दैट इज 60, 9 × 10 90, 10 × 7 70, 15 × 8 That is 120. इन्हें हमको मल्टीप्लाई करके लिखना है। After that, the sum of second column and third column, यानी आपको फ्रीक्वेंसी को टोटल करना है एंड xf का टोटल करना है, बिकॉज इट इज नीडेड इन अवर फार्मूला, फार्मूला के हिसाब से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो f का टोटल हम देखते हैं, 5 + 10 + 10 + 7 + 8 दैट इज 40, इसका टोटल आ रहा है 40, एफ एक्स का टोटल 20 + 60 + 90 + 70 + 120 मतलब 360। तो अभी हमने क्या करा है, जब हमें क्वेश्चन मिला, वी मेक अ टेबल विथ 3 columns, फर्स्ट कॉलम इज एक्स, सेकेंड कॉलम इज एफ एंड थर्ड कॉलम एफ एक्स, तो हमें एक्स में एक्स के नंबर लिखना है, एफ में एफ के नंबर लिखना है एंड थर्ड कॉलम में उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है और उनकी फिर हमें एफ की टोटल करना है और एफ एक्स की टोटल करना है, मीन्स टोटल ऑफ सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। नाउ फार्मूला इज मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स एफ अपॉन समेशन एफ, तो अब थर्ड कॉलम की टोटल कितना आ रहा था 360 और सेकेंड कॉलम का टोटल आ रहा था 40, यानी 360/40। जब हम 360 को 40 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 9, तो मीन कितना होगा 9 होगा। क्लियर? नाउ सेकेंड एग्जांपल, अब ये डिफरेंट है, हियर इज एन एग्जांपल वेयर द डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स। अब जब हमें डेटा क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में होगा, so the following table indicates the data on the number of patients visiting a hospital in a month, find the average number of patients visiting the hospital in a day। अभी देखिए क्वेश्चन का टाइप देखिए आप, यहाँ पर हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है, नंबर ऑफ पेशेंट्स एंड नंबर ऑफ डेज विजिटिंग हॉस्पिटल, 0 to 10, 10 to 20 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and 50 to 60 Number of days 2, 6, 9, 7, 4, 2 तो देखिए हमें अभी हमने यहाँ पे 3 questions सॉल्व किए हैं, तीनों अलग अलग टाइप के थे। फर्स्ट हमने जो सॉल्व किया था ओनली एक्स विल बी गिवन, वहाँ पे हमें सिर्फ नंबर्स गिवन थे। सेकेंड क्वेश्चन में हमें एक्स एंड एफ दोनों गिवन थे। अभी हम थर्ड में देख रहे हैं कि हमें क्लास इंटरवल्स गिवन, राइट? तो अभी जब हमें क्लास इंटरवल्स गिवन होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, मिडिल नंबर उनका फाइंड करना पड़ता है। तो नाउ वी मेक अनदर टेबल विथ 3 columns or 4 columns, आप 4 columns भी बना सकते हो और 3 columns भी बना सकते हो। फर्स्ट कॉलम इज क्लास मार्क, क्लास मार्क मतलब उन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस फाइंड करना है। सेकेंड कॉलम फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड कॉलम इज एफ एक्स और एक्स एफ। तो अभी हमें क्या करना है,
क्लास इंटरवल फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन टू, यानी जैसे हमारा फर्स्ट नंबर है 0 to 10, यानी 0 + 10/2 तो कितना आएगा, 5 आएगा, मतलब बीच का नंबर फाइंड करना है, मिडिल नंबर हमें फाइंड करना है। नाउ 10 to 20, यानी 10 + 20/2 दैट मीन्स 30/2 दैट इज 15, 20 + 30/2 यानी 50/2 दैट इज 25, 30 + 40/2 यानी 70/2 35, 40 + 50/2 तो 40 + 50 = 90, 90/2 दैट इज 45, एंड 50 + 60/2 दैट इज 110 मतलब 55। ओके, सो फर्स्ट वी फाइंड क्लास इंटर क्लास मार्क एंड देन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 6, 9, 7, 4, 2। अभी अब क्या करना है, नेक्स्ट x इंटू f, तो जो हमारा क्लास मार्क निकला है दैट इज x, यानी 5 × 2 = 10, 15 × 6 = 90, 25 × 9 = 225, 35 × 7 = 245, 45 × 4 = 180, and 55 × 2 that is 110। ये हुआ, उसके बाद after that टोटल नंबर, टोटल ऑफ एफ एंड टोटल ऑफ एक्स एफ, यानी हमें एक फ्रीक्वेंसी की टोटल करना है एंड देन एक्स एफ की टोटल करना है। सो 2 + 6 + 9 + 7 + 4 + 2 दैट इज 30, मतलब एफ की टोटल हो गई सम ऑफ एफ। नाउ सम ऑफ एफ एक्स, यानी 10 + 90 + 225 + 245 + 180 + 110, अभी इसकी टोटल हम करेंगे 860। सो नाउ फार्मूला x बार इज इक्वल टू समेशन x f अपॉन समेशन f, अभी हमने x f का टोटल किया था 860, f का टोटल था 30, तो यानी 860/30 दैट इज 28.67। क्लियर, तो अभी हमने देखा व्हाट इज मीन, मीन क्या होता है, मीन इज द एवरेज। उसके लिए हमारे पास तीन फार्मूलेज हैं, x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n व्हेन रॉ डेटा, जब हमें रॉ डेटा गिवन होगा यानी ओनली नंबर्स गिवन होंगे तब हम यूज करेंगे x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n, एंड देन जब हमें x एंड f दोनों गिवन होंगे देन वी यूज x बार इज इक्वल टू समेशन fx और समेशन x f अपॉन समेशन f, एंड देन थर्ड जब हमें कंटिन्यूस सीरीज गिवन होगी, जब हमें क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे देन अगेन वी यूज दिस फार्मूला x बार इज इक्वल टू समेशन एक्स एफ अपॉन समेशन एफ। सो आई होप आपको मीन एग्जाम्पल्स के साथ समझ में आया होगा कि वॉट इज मीन एंड हाउ टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल। नाउ थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।